नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। यूपी में बेटियां महफूज नहीं हैं। बुलंदशहर में बाइक सवार शोहदे की छेड़खानी से बचने की कोशिश में छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्रा का नाम सुदीक्षा भाटी है और वे लॉकडाउन के दौरान अमेरिका से अपने घर आई थी। घटना में सुदीक्षा के चाचा भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सुदीक्षा अपने चाचा सत्येंद्र भाटी के साथ माधवगढ़ के लिए निकली थी। माधवगढ़ में उनके मामा का घर है। सुदीक्षा बाइक पर बैठी थी जिसे उनके चाचा चला रहे थे। उनकी बाइक बुलंदशहर गढ़ हाईवे स्थित चरौरा मुस्तफाबाद गाँव पहुँची। तभी उनके पीछे बुलेट सवार एक युवक पीछे लग गए और बार बार ओवरटेक करने लगा। कुछ देर बाद अचानक ही उस शौदे ने बाइक के सामने आकर ब्रेक मार दिया। इससे सुदीक्षा के चाचा ने बाइक पर अपना कंट्रोल खो दिया और बाइक बुलेट से भिड़ गई। निगम और सुदीक्षा दोनों ही नीचे गिर पड़े। इस हादसे में 17 साल की सुदीक्षा की मौत हो गई जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हैं। बेहद काबिल थी सुदीक्षा, हायर एजुकेशन के लिए मिली थी स्कॉलरशिप। सुदीक्षा बेहद प्रतिभावान छात्रा थी, उन्हें भारत सरकार से स्कॉलरशिप मिली थी। HCL ने पिछले साल उन्हें 3.80 करोड़ दिए थे। उन्होंने अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिला लिया था। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा तो वे जून में घर वापस लौट आई। 20 अगस्त को उन्हें वापस अमेरिका जाना था। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी चाय का कारोबार करते हैं। 2018 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हें 98% अंक मिले थे। सुदीक्षा ने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में बुलंदशहर में टॉप किया था। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज तलाश करना शुरू कर दिया है। मायावती ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुनीक्षा भाटी को मनचलो की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक व अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। BSP की ये पुरजोर मांग है।